धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माता रानी के भक्त उपवास रखते हैं और उनके अलग अलग 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से होने जा रही है। हर बार माता अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती है और माता के वाहन के अनुसार कुछ न कुछ प्रभाव भी देश दुनिया पर देखने को जरूर मिलता है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस बार नवरात्रि पर्व के दौरान माता किस वाहन पर सवार होकर आएंगी और इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। धर्माचार्यों के मुताबिक नवरात्रि के दौरान माँ की सवारी वार के अनुसार तय होती है। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार और सोमवार से होती है तो माता की सवारी हाथी होती है। ये सवारी शांति और समृद्धि का संकेत देती है, इसलिए माँ दुर्गा का इस वाहन पर आगमन या प्रस्थान का मतलब है कि वे आपके जीवन को अच्छे कर्मों, आशीर्वाद और खुशियों से भर देंगी। और अगर मंगलवार और शनिवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही हो तो माता की सवारी घोड़ा होता है। घोड़ा विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि देवी दुर्गा यदि घोड़े पर सवार होकर आ रही है तो ये एक चेतावनी है। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज विनाश का शिकार होगी। साथ ही माँ दुर्गा की घोड़े की सवारी देश में आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने, गृह युद्ध और सत्ता में उथल पुथल के संकेत भी देती है। अगर बुधवार के दिन माँ आती है तो उनकी सवारी नाव होती है। नाव जल परिवहन का प्रतीक है। ये बाढ़ और अच्छी फसल दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। माँ दुर्गा के नाव पर आने का मतलब है कि वे आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को अगर नवरात्रि की शुरुआत हो तो माता की सवारी डोली या पालकी होती है। इस साल नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन ही हो रही है, इसलिए माता की सवारी डोली होने वाली है। आइए अब जान लेते हैं कि जब माता डोली या पालकी पर सवार होकर आती हैं, तो इसका देश दुनिया पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान डोली या पालकी पर सवार होकर आती हैं, तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता। माता का डोली पर सवार होकर आना देश दुनिया में कई मुश्किल स्थितियों को पैदा कर सकता है। राजनैतिक उथल पुथल की स्थिति बनती है। दुर्गा माँ की इस सवारी में पालकी को 4 लोग ले जाते हुए दिखाई देते हैं। इसका अर्थ है कि महामारी या प्रकोप की स्थिति बनी रह सकती है। जीवन की यात्रा कठिन हो सकती है, अराजकता की स्थिति बन सकती है और किसी वजह से हिंसा भी हो सकती है। साथ ही मतभेदों के कारण लोगों को पारिवारिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए डोली पर सवार होकर आई माता का नवरात्रि के दौरान पूरे विधि विधान से भक्तों को पूजा करनी चाहिए। इससे कई मुश्किल स्थितियों से बचकर निकला जा सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।